करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीजेपी आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जहां एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव समेत राजनांदगांव के प्रत्याशी संतोष पांडे मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरदार पटेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का एक बड़ा ही आयोजन होने जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन आज, बड़ा शक्ति प्रदर्शन कवर्धा में। सरदार पटेल मैदान में जहां आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं आज उनके साथ में छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी संतोष पांडे सहित पंडरिया विधायक भावना बोरा भी मौजूद रहेंगी। आप देख सकते हैं कि भाजपा के द्वारा उनके आने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और साथ ही आपको बता दूं कि यहां विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों शामिल हो रहे हैं। हिमांशु सिंह ठाकुर, विस्तार कवर्धा। तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीजेपी का आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। राजनांदगांव के प्रत्याशी संतोष पांडे भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरदार पटेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी इस आयोजन में पहुंचने वाले हैं। तैयारी आपने देखी, अब की बार चार सौ पार का नारा बीजेपी दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीतने का दावा बीजेपी यहां पर कर रही है, और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कवर्धा पहुंचेंगे, कवर्धा में एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें नजर आने वाले हैं। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ के मुखिया और मध्य प्रदेश के मुखिया एक ही मंच पर कवर्धा में आज हमें नजर आएंगे। तैयारियां लगभग पूरी हैं, इंतजार है मुख्यमंत्रियों का, राजनांदगांव के प्रत्याशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। राजनांदगांव के प्रत्याशी संतोष पांडे भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरदार पटेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। 5 सीट लोकसभा पर कबीरपंथी वोटर्स का प्रभाव, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव। 1 लाख से 2 लाख वोटर कबीरपंथी हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है। अलग अलग राज्यों में वो जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी वो पहुंचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के इस चुनावी समर में चुनाव प्रचार करने के लिए राजनांदगांव बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। 1999 से लगातार बीजेपी यहां से जीतती आई है, हारी नहीं है, लगातार जीतती आई है 1999 से। इसलिए राजनांदगांव बीजेपी का अभेद किला, बीजेपी का गढ़, लगातार 1999 से बीजेपी की जीत यहां पर होती आई। 19 अप्रैल को पहला चरण बस्तर में होगी वोटिंग, 26 अप्रैल को दूसरा फेज राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद में 7 मई को तीसरा फेज, बिलासपुर राजनांदगांव, बिलासपुर जांजगीर चांपा, सरगुजा राजगढ़, कोरबा दुर्ग में वोटिंग होगी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, मृगेंद्र पांडे राजधानी रायपुर से, श्याम सिंह तोमर हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मृगेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं रायपुर में, और हम कहेंगे कवर्धा में। कवर्धा में एक बड़ा ही शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है आज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक ही मंच पर होंगे, एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से। क्या कुछ तैयारियां हैं?
अडरिया बेमित्रा ये आसपास की सीटें जहां ओबीसी वोटर बहुत ज़्यादा हैं, उस लिहाज से मोहन यादव को, डॉक्टर मोहन यादव को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रचार के मोर्चे पर उतारा गया है। यहां से भाजपा ने एक नया प्रयोग किया है। आमतौर पे आपने ही बताया कि 1999 से लगातार भाजपा जीतती रही है और हर बार कैंडिडेट नया रहा है। इस बार संतोष पांडे को रिपीट किया गया जो वर्तमान में सांसद हैं, तो उस लिहाज से आप देखिए कि डॉक्टर मोहन यादव की सभा काफ़ी अहम और ख़ास मानी जा रही है। यहाँ जो सभा स्थल पे लोग पहुँचे हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, भीड़ बहुत ही आई है। ओबीसी वोटर क्योंकि लंबे समय से इन दोनों कवर्धा और पडरिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ओबीसी कैंडिडेट को उतारती रही है और जीत दर्ज करती रही है। इस बार कवर्धा विधानसभा सीट से विजय शर्मा विधायक हैं और प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उस लिहाज से ये काफ़ी अहम है डॉक्टर मोहन यादव का दौरा। आपने बताया जो कबीरपंथी समाज का, कबीरपंथी भी बहुत ही प्रभावी हैं और बनारस के बाद जो कबीरपंथियों का पहला जो बड़ा कैंप खुला था वो कवर्धा में खुला था। कवर्धा को इसीलिए उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कवर्धा का नाम बदलकर कबीरधाम नगर रखा, तो आप समझ सकते हैं कि कवर्धा किस लिहाज से मायने रखता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली है। यहां से कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रहे मोहम्मद अकबर को करीब 40,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, तो वहां भाजपा अप है। लेकिन भाजपा क्योंकि हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है और चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव को आज उस मैदान पर उतारा गया है। जी सुमित, बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगा मैं मृगेंद्र आपके पास। श्याम, मैं आपसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से जब बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है, स्टार प्रचारकों में मोहन यादव का नाम होता है और मोहन यादव को बीजेपी लगातार उन राज्यों में भेज रही है जहां पर चुनाव होने हैं। मतलब एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरना मोहन यादव को किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने कि मोहन यादव स्टार प्रचारकों की सूची में है। इसके अलावा बीजेपी ये भी उनको प्रोजेक्ट कर रही है कि जो ओबीसी, जो अलग अलग राज्यों में ओबीसी मतदाता हैं, ओबीसी लोग हैं, उनको उनके नेतृत्व में जो है ये दिखाया जाए कि देखिए आपके मोहन यादव कितनी कुशलता के साथ आप ही के बीच से आगे बढ़े हैं और वो हमारा चेहरा है, अब आपके बीच में आकर वो काम करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके मुद्दों को मुखर करना चाहते हैं। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मृगेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी का गढ़ है राजनांदगांव कवर्धा, बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आखिर है नहीं, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली है ये मृगेंद्र, बीजेपी की कार्यशैली ऐसी ही है। पीएम मोदी, उनके पास इतने बड़े चेहरे हैं कि उनके चेहरे के दम पर ही बीजेपी 11 से 11 सीटें जीतने का मादा रखती है, लेकिन फिर भी बीजेपी मेहनत कश पार्टी है और यही लगातार कहती है कि बीजेपी कभी भी मेहनत करने से नहीं चूकती, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, मेहनत करने से कभी नहीं चूकती बीजेपी, इसलिए हर एक सीट पर काफी फोकस बीजेपी का। मृगेंद्र जी, कवर्धा इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ एक झंडा विवाद हुआ था जिसके बाद बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन हुआ। ये सारी सीटें पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लेकिन जो झंडा कांड हुआ और तमाम मुद्दे आए, उन मुद्दों को लेकर बीरनपुर में जो हत्या हुई, इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ा गया। अब हालांकि इस चुनाव में भी हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में भी यही मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। जनता के बीच भी यही मुद्दे हैं कि अगर हमको इस क्षेत्र में जो कवर्धा बेमेतरा से लेकर राजनांदगांव का पूरा बेल्ट है जो लोकसभा क्षेत्र है, अगर शांति चाहिए, अगर लोगों को सुख समृद्धि चाहिए तो बीजेपी के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा। आपको बता दें यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है और भूपेश बघेल रोज 22 से 23 गांव का दौरा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से आप समझिए कि जिस तरीके से कांग्रेस कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं उससे दोगुनी ताकत से बीजेपी अपने कैंडिडेट के पक्ष में, जो संतोष पांडे, उनके पक्ष में प्रचार कर रही है बड़े नेताओं का दौरा। आपको बता दें कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ और असम के ठीक है मृगेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, मृगेंद्र मैं आपके पास लौटूंगा। कवर्धा से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हिमांशु,
कवर्धा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जरा तस्वीरें दिखाइए, हिमांशु तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जहां आप खड़े हैं सभा स्थल पर वहां पर दो मुख्यमंत्री होंगे, दो बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे और दो उप मुख्यमंत्री होंगे। बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज वहां पर होने वाला है, क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है, जरा दिखाएं दर्शकों को हिमांशु। हिमांशु क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हिमांशु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मृगेंद्र मैं आपके पास ही लौटूंगा, मृगेंद्र मैं आपके पास ही लौटूंगा। एक शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या है, दो दो मुख्यमंत्री, दो दो उप मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता कवर्धा में आज हमें नजर आएंगे। देखिए शक्ति प्रदर्शन खासा मायने रखता है। बीजेपी को 3 महीने पहले हुए चुनाव में बड़ी जीत मिली थी कवर्धा विधानसभा से। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने चुनाव लड़ने के तरीके को बदला है। इस बार जो विधानसभा लोकसभा का फोकस नहीं है, हर व्यक्ति, हर नेता, हर विधायक को एक टारगेट दिया गया कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में लीड दिलाएं। अब आप समझिए कि कवर्धा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का क्षेत्र है, वो पिछले 2 दिन से कल और परसों रात उन्होंने करीब 2 बजे तक मीटिंग की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, कल रात को उनकी लंबी बैठक चली। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट कराना, लोगों को घरों से बाहर निकालना और बढ़त दिलाना, ये टारगेट दिया गया। इस लिहाज से ये आज का जो दौरा है वो काफ़ी अहम हो जाता है। जी सुमित जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि बीजेपी ने पैटर्न अब बदला है, बीजेपी ने चुनाव लड़ने का, चुनावी सभाएं करने का पैटर्न बदल दिया है, पूरी ताकत बीजेपी लगाती है। इसी पर आऊंगा मैं आपके पास श्याम, क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव लड़ने का पैटर्न, रणनीति बनाने का पैटर्न बदल दिया है, क्योंकि एक सीट पर बीजेपी कितनी ताकत लगा रही है। राजनाथ गांव की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल यहाँ से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए बीजेपी ने खुद का जो स्ट्रक्चर है वो कॉरपोरेट कल्चर वाला डेवलप किया है, बड़ा ही कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है ये, और इसमें हर हाल में जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रवार रणनीति बनाई जाती है और क्षेत्रवार ताकत झोंकी जाती है। वो तमाम चेहरे, बड़े बड़े नाम झोंक दिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो चाहे नांदगांव हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे और जो है छत्तीसगढ़ की बाकी सीटें हों, यही रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दों को बहुत महत्व दिया जा रहा है ताकि ओबीसी और जो कबीरपंथी उनको जो है साथ में लेके चला जाए। बिल्कुल, हिमांशु कवर्धा से जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? बिल्कुल हिमांशु, हिमांशु तस्वीरें बताइए, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। दो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के होंगे और छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी सीएम भी वहां पर होंगे और हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता होंगे। बहुत बड़ा आयोजन आज बीजेपी का वहां पर, तस्वीरें दिखाएं, बताएं क्या चल रहा है वहां पर। हिमांशु शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ राजस्थान लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी अतुल पांडे एवं चौधरी मंत्री के साथ विधायक भावना बोरा भी उपस्थित रहेंगी। जहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे हिमांशु आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की ताकि आपकी जो आवाज़ है सही से हम तक पहुंच पाए। मृगेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं। बूथ पर बीजेपी फोकस करती है, बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है ना कहीं कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो संगठन बीजेपी का है वो काफ़ी मजबूत है। क्या आपको लगता है कि बूथ मैनेजमेंट के जरिए ही बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव? देखिए
देखिए भाजपा का तो पूरा स्ट्रक्चर ही बूथ प्रभारी पन्ना प्रभारी पे निर्भर करता है, एक एक बूथ पर एक एक पन्ने को दे दिया जाता है और कार्यकर्ता जो है भाजपा के वो लोगों को बूथ तक मतदान केंद्र तक ले जाते हैं और मतदान कराते हैं। तो भाजपा का स्ट्रक्चर एक इस तरीके से काम करता है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ हद तक जो छत्तीसगढ़ की बात करें हम देश में वो पैटर्न लागू होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि आमतौर पर पिछले 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ भी यही बात सामने आई कि कांग्रेस ने बूथ पर काम किया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला कांग्रेस ज्वाइन की थी 2018 के चुनाव से पहले, हालांकि वो दिवंगत हो गई अभी। उन्होंने कांग्रेस को एक बूथ पैटर्न पे बूथ के हिसाब से काम करने का तरीका सिखाया और 2018 में जो जीत मिली उसमें करुणा शुक्ला के मैनेजमेंट को काफ़ी अहम माना गया था। अब इस चुनाव में क्योंकि उसी पैटर्न को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैंडिडेट हैं और भूपेश बघेल उस बूथ मैनेजमेंट के सिस्टम को समझते हैं, इसलिए भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, हर तरीके से अपने बूथ को मजबूत करना चाह रही है, अपने लोगों को एक्टिव करना चाह रही है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है अगर आप देखें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में तो राजनांदगांव एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूपेश बघेल जो हाल ही में चुनाव हारे हैं उनकी सरकार गई है, वो एक बार फिर विधानसभा चुनाव में आए हैं, लोकसभा चुनाव में आए हैं। तो बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने उनका कैंडिडेट किसी तरीके से कमज़ोर न पड़े, उसको कोई दिक्कत न हो, इसलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। सभी बड़े नेताओं को वहाँ भेजा जा रहा है। डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा है लगातार आपको बता दें हर शाम 6 बजे 7 बजे वो कवर्धा पहुँच रहे हैं और एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है मंडल स्तर पर बूथ स्तर पर उन लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बीजेपी किस रणनीति के तहत काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उनका कहना था कि बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और हम सब जानते हैं ये, और एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी कहाँ पहुँचा देती है ये कोई सोच भी नहीं पाता। मुख्यमंत्री उनको बनाया गया, मोहन यादव ने कहा, अब स्टार प्रचारक हैं और लगातार उन प्रदेशों में वो जाएंगे जहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं, जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से मोहन यादव की छवि को गढ़ा है, बुना है, क्या कहेंगे आप? इसके अलावा ज़मीनी स्तर से उठे हैं, वो बिल्कुल उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, बिल्कुल उज्जैन क्षेत्र से उन्होंने जो है तमाम विधायक के चुनाव लड़े, फिर जो है वो पर्यटन निगम मंडल में रहे, फिर उसके बाद में आगे मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद में जो है अचानक से जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उन्होंने उस समय कहा था कि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसमें अंतिम छोर पर बैठे कार्यकर्ता जो है उसकी सुध ली जाती है, उसको जो है पूछा जाता है, उसके क्या सोच है उसके आधार पर पार्टी फैसले भी लेती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब बीजेपी ने, क्योंकि उनको ओबीसी वर्ग से होने के नाते देश में ओबीसी वर्ग का नेतृत्व ये दिखाने के लिए कि हमारे पास भी जो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, लगातार राज्यों के दौरे करवा रही हैं उनको, लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, लगातार जो है उनके चेहरे को आगे बढ़ाया जा रहा है भाजपा में। ठीक है कवरदास, दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से। दिलीप मेरी आवाज़ आ रही है? दिलीप मेरी आवाज आ रही है क्या? आ गया, चालू है। बिल्कुल दिलीप, बड़े नेताओं के दौरे होने हैं, क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप, कब तक पहुंचेंगे बड़े नेता? आ रही है सुमित जी, आ रही है। बिल्कुल देखिए बड़े नेताओं में तो सबसे बड़े नेता है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, तो लगभग अब पहुंचने ही वाले हैं, सारी तैयारियां हो गई है। उनसे पहले जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, वो उन्हीं का ही विधानसभा क्षेत्र है, तो वो वहां पे पहुंच के पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। अब से कुछ देर में ही दोनों सीएम एक मंच पर आएंगे, क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा इस लिहाजे से हाई प्रोफाइल बन गया है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान पे उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस लोकसभा पे अभी और ताकत झोंकने की जरूरत है, क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वो खुद लोकसभा चुनाव में मैदान पे उतरे हैं। तो बीजेपी लगातार हर क्षेत्र में जो बीजेपी के बड़े नेता है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और भूपेश बघेल भी लगातार राजनांदगांव लोकसभा की अभियान शुरू किया है,
25 गांव पे अपना कैंप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से सबसे अगर हाई प्रोफाइल सीट इस बार बनी है तो वह है राजनांदगांव, जहां से संतोष पांडे बीजेपी से है जो कि पूर्व में भी सांसद रहे हैं और उनको फिर से टिकट दिया गया, और वहीं अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। कहीं ना कहीं आगे की कांटे की टक्कर है, बीजेपी उतार झोंक रही है, वहीं कांग्रेस भी बिल्कुल कांटे की टक्कर कही जा रही है। मृगेंद्र कांटे की टक्कर, जैसे दिलीप कह रहे हैं कि जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क काफ़ी तगड़ा है उनका, ऐसा कहना है दिलीप का। लेकिन भूपेश बघेल के बयान से नज़र नहीं आता कि वो चुनाव जीतने के लिए इतना दम लगा रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए ना, वीवीपैट से, बैलेट पेपर से चुनाव की बात को लेकर उन्होंने एक तरीका अपना लिया कि 384-375 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को उतार दिया जाए तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। क्या ऐसे बयान एक मुख्यमंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को देना चाहिए? क्या मैसेज जाता है ऐसे बयानों से? देखिए, कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटेजी यही रही है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये सिर्फ भूपेश बघेल की बात नहीं, देश में जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस बात को कह रहा है। बार बार ये लोग निर्वाचन आयोग गए, निर्वाचन आयोग से गुहार लगाई कि ईवीएम हटाइए, क्योंकि ईवीएम में, इनका कहना है कि ईवीएम में सेटिंग हो सकती है और मतों को इस जगह से उस जगह या इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग का साफ मानना है कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। तो जो भूपेश बघेल का बयान आया वो ईवीएम हटाओ की जो मुहिम है उसके तहत आया है। हालांकि अभी तक जो है, अब तो नामांकन भी खत्म हो गया, इस तरीके से 365 लोगों का नामांकन एक तो संभव नहीं है, न तो कांग्रेस करवा पाई। तो भूपेश बघेल के बयान को लेकर अब जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि एक तरीके से उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया है, पार्टी के स्टैंड को आगे बढ़ाने के लिए एक नवाचार कह सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जनता के बीच ये हुआ कि ये थोड़ा प्रोसेस जो है उल्टा करना चाहते हैं, तो इससे कांग्रेस के लिए थोड़े और ऐसा लग रहा है कि बचने की कोशिश है, एक बचने की कोशिश है कि चुनाव से ठीक पहले ही आपने बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं। मृगेंद्र बहुत शुक्रिया, श्याम आपका बहुत शुक्रिया, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी। हिमांशु आपका भी बहुत धन्यवाद, दिलीप आपका भी बहुत धन्यवाद, बड़ी खबर पर लगातार विस्तार न्यूज आपको अपडेट देता रहेगा।